दरवाजा निकल गया, दम निकल गया, कवर ड्राइव नहीं मारनी होती आपको, कवर ड्राइव के अलावा ऊपर की गेंदे भी खेलनी होती है, और ये बेसबॉल या कोई कंचे नहीं हो रहे। मोहम्मद रिजवान विकेट पर खड़े होके, सात ओवर तुम पी गए, तुमसे अच्छा तो इफ्तिखार था कि उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की कम अज कम छक्का मार के शहीदों में नाम तो लिखवाया, गैरत की गोलियां तो ली। ओ भाई मैच में इंडिया फेवरेट था, पर 160-165 रन तो यहाँ पर कोई भी टीम बना के छोड़ती। हाथ पांव फूल गए मेरे घंटे के, और जब टॉस हारा तो वही मैच हारा, ऐसा लगता था कि ताबूत तैयार है और तालियां बजाने को लोग भी तैयार नजर नहीं आए। जिस तरह की मैसिव लांडी बल्लेबाजी ये करके गए, आज तो सबसे पहले बाबर आजम से फिर मैं शुरू करूंगा जो आज का बड़ा मैच लेकर चल रहे थे, और जिस तरह की मिस्कीन शक्लें बना के वो शाहीन के ना होने का रोना गाने के रोना गाकर एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसमें नाकाम नजर आए, मैदान छोड़कर भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशिया कप स्पेशल 2022 पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच। आई एम रियली सॉरी बट मेरे नर्व्स अभी सामने, और हम लोग पहले अब देखे कि हुआ क्या है। बाबर रिजवान आए ओपन करने, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जस्ट हैपेंड। और शो पाकिस्तान ने भारत को पहले मैच में 148 रन का हदफ दिया है, क्रेडिट जाता है शाहनवाज दहानी को जिन्होंने दो छक्के लगाए अलग अलग ओवर्स में, लेकिन आखिरी ओवर में एक और लंबा छक्का लगाकर शाहनवाज दहानी ने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान 148 रन का हदफ देने में कामयाब हो। भारतीय टीम को इब्तदाई मराहल से पाकिस्तानी टीम को मुश्किल दरपेश रही। बाबर आजम 10 रन बना के आउट हुए, फखर जमान उनके पीछे चलते बने, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नजर आए मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद पहले इफ्तिखार आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि स्कोर बोर्ड को चलता किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम के एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को जिन्होंने जबरदस्त प्लानिंग करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंद पर फंसाया। एशिया कप स्पेशल जारी रहेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को 147 रनों पर ढेर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह रो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने जबरदस्त गेंदबाजी की और पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को जम के धो रही है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। आज उनको प्रूफ करना था कि दुनिया के नंबर वन आईसीसी के जो तुम चले गए झाड़ पे चढ़े हुए मुस्तकिल दो सालों से, ये लानत देखने के लिए क्या हमने आज का मैच सुबह से शाम तक की तैयारी करके बैठे थे? ये कौन सा तरीका है यार? एक तरफ तुम्हारी लेगेसी को उस लानती इनिंग को क्या बोला जाए, रिजवान की 43 रन, उसके ऊपर तुमने हैदर अली जिसपे मैच करना है अगले 5 से 7 सालों में, तुम उसकी जगह चाचू को जिसके जो शक्ल से 40 साल का बाल रंग के झाले को उसको तुम टीम में खिला रहे हो, क्या वजह थी उसको 4 नंबर पे बैठने की? उसके बाद तुम्हारे जो छक्कों में नेट में भोले फाड़ने को जिनके बारे में कहा जा रहा था ये ब्रांडेड छक्के आदि वाली, अबे कोई हर कोई करीम जन्नत होगा क्या? ये छक्के मारे थे, हो गए छक्के खत्म, तुम्हारे सारे नेट में मार कर आ गए। फिर आप आ जाओ नमाज के ऊपर, जिसको आपने साजिश के तौर पे इमाम को बिठाकर नमाज को बनाने के चक्करों में लगा, भेजो ना प्रमोट करो ना, लेफ्ट आर्म बॉलर था जडेजा था तो ये सेंस नहीं थी, कैसी कैसी विकटें गिरी हैं इन लोगों की यार, आप चेक करें। मैंने कल ही नक्शा खेत के आपको 2 दिन पहले बताया, हार्दिक पांड्या बाउंस आउट करेगा 138-140 की बाउंसर कर रहा है। फखर को देखो, आवेश ने पीछे बॉल की, हार्दिक ने चाचू को निकाला, हार्दिक ने उसको निकाला, हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार ने बाबर को आगे दाना डाला और फिर शॉर्ट बॉल की, कहां है पुल? अबे क्या किया जाए, क्या ढोल बजाया जाए तुम्हारी परफॉर्मेंस में या